बच्चों पिछली वाली कक्षा में अपन ने 12 पार्ट में पढ़ा था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की शिक्षा और उनके बचपन के बारे में पढ़ा था। अब 12.1 में अपन पढ़ रहे हैं कि उनको सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया। तो 1951 में उन्हें मतलब वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। आप इसका प्रश्न भी नोट कर लीजिए कि प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो 1951 में चुने गए थे और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया। उसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणुबम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणुबम से लाखों लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, उनको शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों में जिससे कि देश का भला हो सके ऐसे कार्यों में वो इसका उपयोग करना चाहते थे। अणुशक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए उनके अनुरोध पर मुंबई से में सर थोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ डायमेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई। अब वे बेंगलुरु छोड़कर रिसर्च संस्था के डायरेक्टर बन गए और मुंबई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए उस ट्रस्ट को लिखा कि इस संस्था को स्थापित करके मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्तम स्कूल चलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने स्कूल का जो सुझाव दिया इस ट्रस्ट को कि मैं भौतिक विज्ञान का एक स्कूल चलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े, यानी कि बच्चों को दूसरी जगह ना जाना पड़े। मुंबई में ही मैं ऐसा एक स्कूल खोल लूं कि बच्चे भौतिक विज्ञान की शिक्षा यहीं प्राप्त कर ले। डॉक्टर भाभा अणुशक्ति कमीशन के अध्यक्ष रहे। वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणुशक्ति शोध संस्था ट्रांबे के संचालन का काम भी देखते थे। ट्रांबे का अणुशक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुला। इस निर्माण से क्या हुआ, भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया और आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है। कौन सा, भारत वैज्ञानिक अणुशक्ति केंद्र, ट्रांबे अणुशक्ति केंद्र क्या है, भारत का वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग है। ये सबसे पहले यही खुला था। डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही थे, उन्हें नृत्य और चित्रकला में भी रुचि थी। उनके बनाए गए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। उनके बनाए गए गौशाला की एक गाय के बछड़े के साथ सुंदर चित्र बनाया था उन्होंने और उनकी लोगों ने सराहना भी की थी। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था यह बालक एक दिन महान कलाकार बनेगा। बाद में उनने चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्रांबे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सजावट सौंदर्यतापूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के उपवन मतलब वहाँ के बगीचों की वैज्ञानिकता